इट्स लेटेस्ट कंटिन्यू नाउ वी आर इन पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 में हम आ गए हैं, लेकिन हमने उससे पहले क्या पढ़ा है, बार डायग्राम पढ़ा है। बार डायग्राम जो है वो 3 टाइप्स के होते थे। तो कौन सा है, सिंपल बार डायग्राम और क्लस्टर बार डायग्राम, और तीसरा था हमारा जो कि था डिवाइडेड बार डायग्राम। तो वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया था पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंस एन एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री, पाई डायग्राम में ये खासियत है कि वो क्योंकि सर्कल होता है, सर्कल का जो टोटल एरिया होता है वो 360 डिग्री का होता है। द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री एंड सेक्शंस डिविजन्स ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्रीज प्रोपोर्शनल टू ईच डेटा सेक्शन। अब हमें अगर इसे डिवाइड करना हो तो हम अलग अलग भाग में इसे डिवाइड करते हैं और उसको डिग्रीज में प्रोपोर्शन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ डायग्राम विच इज़ ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन्स ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्रीज इन ए सर्कल इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम। दूसरे शब्दों में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसके सब डिविजन्स होते हैं, यानी पूरा सर्कल होता है उसमें जो अलग अलग भाग में इसे हम डेटा को डिवाइड करते हैं और उसको प्रोपोर्शन डालते हैं डिग्रीज में, वो हो गया पाई डायग्राम। फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग प्रोपोर्शनल डिग्री फॉर ए कंपोनेंट ऑफ डेटा, आप देखिए उसका एक फार्मूला दिया हुआ है कि डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360, यानी कि जो कंपोनेंट वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। एग्जांपल देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंट बाय ए स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम्स। अगर सपोज एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिली है और उस पॉकेट मनी को उसने अलग अलग जगह पे खर्च किया है, तो वो अलग अलग जगह पे अगर खर्च कर रहा है तो वो किस तरह से खर्च किया उसने, वो हमको टेबल 1.8 में देखिए बॉक्स थ्रू समझाया गया है। तो बुक्स पे उसने खर्चा किया है 20 रुपया। कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज 20 × 360 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 72%, यानी कि 72 डिग्रीज उसने खर्च कर दिया है बुक्स पे। नंबर 2 पे है स्टेशनरी। स्टेशनरी में 5 रुपीज़ खर्च किया, 5 × 360 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 18 डिग्री। नेक्स्ट है फ़ोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइसेस एक्सेट्रा, यानी कि फ़ोन चाहे कंप्यूटर चाहे कोई और डिवाइस जो उसने यूज़ की उस पर 30 रुपये। तो अब 30 × 360 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 108 डिग्री। सेम वे फूड, याना खाना, खाने पे उसने 30 रुपये खर्च किया है, उसका भी वही आ जाएगा 108 डिग्री। क्लोथ्स यानी कपड़ों पर जो खर्च किया है 15 रुपये, तो 15 × 360 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। सेम अब टोटल हम ले लेते हैं 20 + 5 = 25, 25 + 30 = 55, 55 + 30 = 85, 85 + 50 = 100, टोटल हो गया 100। अब सपोज उसने 100 रुपये पाए थे और 100 रुपये में उसका खर्च किस तरह डिग्रीज में या परसेंटेज में उसका खर्चा हुआ है, वो यहाँ पर आपको बताया गया। तो दिस इज ऑल्सो ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। दूसरे तरीके से अगर हम पाई डायग्राम को जैसे सर्कल बनाकर उसमें शो करते हैं, तो देखिए 15%, 20%, 5% एंड 30%, यहाँ भी 30%। अब यहाँ पर इसको सिंबलाइज किया गया है कि बुक्स के पीछे, तो बुक्स का जो सिंबल है वो इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस में, स्टेशनरी यानी सिंपल लाइंस करके बॉक्स बना दिया गया है, डिवाइसेस यानी डॉटेड बनाए, फूड यानी सिंपल प्लेन रखा है उसे, एंड क्लोथ्स मीन्स फुल डार्क किया है। तो ये हो गया उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिंबल्स। नेक्स्ट 1.5 फिगर आपने तो देख लिया पाई डायग्राम का। अब उसके बाद दिया हुआ है टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बनाते टाइम हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो फर्स्ट इज 360 डिग्रीज में के सर्कल। सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए हमें 360 डिग्रीज का यूज़ लेना पड़ता है, यानी 360 डिग्री होगा तो ही सर्कल बराबर होगा। सेकेंडली, डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर दैट डिविजन एंड द सम टोटल ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल सब डिविजन्स मस्ट बी 360 डिग्री। अब जो सब डिविजन्स होते हैं यानी कौन सी चीज़ों पर आपके खर्च हुए हैं या कितनी कितनी मात्रा में खर्च हुए हैं, वो सारा आपको अलग अलग तरह से डिवाइड कर देने के बाद में लास्टली आपको ये करना है कि टोटल आपको चेक करना है, टोटल जो आएगा वो आपका 360 डिग्री ही होना चाहिए। इफ़
relevant data is to be compared across regions or time periods, then two pie graphs can be drawn side by side. अगर relevant data होगा यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं या बिल्कुल ही अलग हो जाता है तो हमको दो अलग pie graphs बनाने पड़ते हैं. For a data set with a smaller total value, a circle with smaller dimensions is drawn, and for a data set with a larger total value, a circle with bigger dimensions is drawn. अब अगर दो अलग तरीके से हमें दिखाना होगा तो जहाँ पे लार्जर अमाउंट्स यानी ज़्यादा चीज़ों का विवरण होगा वहाँ पर हमें बड़ा सर्कल लेना होगा डायमेंशन के साथ, और अगर छोटी चीज़ों का यानी स्मॉल बनाना, स्मॉल आर्टिकल शो करने हैं तो वहाँ पर हम स्मॉल डायमेंशंस के साथ में छोटा डायग्राम, छोटा सर्कल बनाएंगे. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. Types of graphs, में use of graphs is also frequently made in economics. अपने economics में graphs का बहुत ज़्यादा अहमियत है. Statistics classifies graphs as under. Statistics classify करता है graphs को किस किस तरीके से, वो नीचे दिए हुए हैं. First है time series graph, second है graphs for continuous frequency distribution. तो frequency distribution जो हो जाता है वो अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग रूप लेता है. In the sense देखिए, histogram, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और थर्ड टाइप है लोगोरिथमिक ग्राफ्स. और उसके बाद क्या है वो हम देखते हैं. तो यहाँ पर तो हमारा थ्री टाइप्स हो गया. पहला है टाइम सीरीज ग्राफ्स, दूसरा है ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग अलग तरह से डिवाइड हो जाता है, एंड थर्ड है लोगोरिथमिक ग्राफ्स. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं.